Hey guys, welcome to my another video, another vlog. Guys, काफी time से मैं vlogs बना रहा हूँ और but editing नहीं हो रहा है, upload नहीं कर पा रहा हूँ because time नहीं मिल रहा है, क्योंकि Instagram पे कितना अपडेट हुआ, आप लोग देख रहे हो Instagram के कैसे videos आ रहे हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना अच्छे आ रहे हैं या नहीं. और गाइज मैं अभी जा रहा हूँ गजीबो. गजीबो एक होटल है जहाँ पे मंदी एंड ऑल बहुत सारी चीजें स्पेशल है, मिलेगी खाने के लिए, बहुत सारी चीजें है, मतलब फूड बहुत सारा है खाने के लिए, तो मैं जाके बताऊंगा. और स्पेशल रमजान के लिए इन लोगों ने चीजें भी रखी, ऑफर भी रखी है सहरी एंड ऑल के लिए. और लास्ट टाइम इनके पास से मैं कबाब, टिकिया, तंदूर, बहुत सारी चीजें मैं इनके पास से लेके आता था और इस बार भी रमजान में लेके आऊंगा. तो गाइज अभी इन लोग के पास मैं जा रहा हूँ, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहो, मैं वहाँ पे पहुंच के आपको दिखाऊंगा. और एक ब्लॉग में आपने देखा भी था कि बिरयानी हमने मतलब खाई है वहाँ पे, और मतलब शायद आएगा ब्लॉग जल्दी या फिर लेट आएगा पता नहीं, बट वो आएगा देखना. उनके पास की बिरयानी थी, बहुत टेस्टी थी और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इनके पास खाने के लिए. तो आप रमज़ान में करना, मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा, ये आप ऑनलाइन ऑर्डर भी डाल सकते हो, पार्सल भी मंगवा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो. तो अभी हम लोग जा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं. ये औरंगाबाद का हाल ऐसे हो चुका है कि यहाँ पे इतना ट्रैफिक हो रहा है जिसकी हद नहीं, और कंटिन्यूसली ट्रैफिक चल रहा है कंटिन्यूसली. रमजान से स्पेशल हमारे पास बहुत कुछ है गजीबो पे. मैं कॉन्टेक्ट नंबर आई डी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन, तो आप लोग ऑर्डर भी कर सकते हो और यहाँ आके भी खा सकते हो. ये जिंसी में है, इधर एड्रेस जिंसी ऑपोजिट जिंसी पुलिस स्टेशन, जिंसी पुलिस स्टेशन के एकदम ऑपोजिट सामने अंदर रोड आएगा, वहाँ पे आप किसी को भी पूछोगे गजीबो का है आपको बता देंगे सब. और आप देख ही रहे हो वहाँ का माहौल, यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे पर्सनल बहुत सारी चीज़ें भी हो आने के बाद पता चलेगी आपको. और सो गाइस गजीबो की तरफ से यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्लान किया हुआ है, जिंसी में जिंसी पुलिस चौकी के सामने ही है, यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए हैं. ये फर्स्ट स्टॉल, सेकेंड, क्या क्या स्टॉल है यहाँ पे? यहाँ पे फ्रूट का स्टॉल है, एक फ्रूट का स्टॉल है, पान शॉप का स्टॉल है, ईरानी कैफे बन मस्का, ईरानी कैफे जो बन मस्का वगैरह आता है उसका है, कुर्ते पैजामे का है, कुर्ते पैजामे का है, शूज का है, शूज का है, हलीम, हलीम, फालूदा, फालूदा, वाह, परफ्यूम्स. और यहाँ पे जो भी रहेगा सब इनका रहेगा, पूरा आरसी किचन का, मतलब टिकिया, समोसे, इफ्तारी, मतलब टोटल इफ्तारी रहेगी. और आप यहाँ पे इफ्तारी करने के बाद यहाँ खा भी सकते हो आके, मतलब यहाँ पे रोजा खोलने के बाद, जो रोजा है वही ऐसे भी आ सकते हो जो खाने के शौकीन है. तो यहाँ पे आओ, बस मजा लूटो और बहुत मस्त है. और रमजान में मेरे भी घर पे कुछ आएगा तो मैं वो भी बताऊँ, कंटिन्यू बताऊंगा कि हाँ यहाँ से आया हुआ जो भी है, और अपन जो खाएंगे वो तो आप लोग खाएंगे. तो आप लोग आना, विजिट करना और टेस्ट कैसा है. और हाँ एक बात, अगर आप लोग यहाँ से लेके जा रहे हो कुछ खाने के लिए तो इनका आईडी मैं यहाँ पे टैग करूँगा, या फिर यहाँ पे कुछ मैं इनको बताऊँगा कि यहाँ पे बैनर वैनर जो भी रहेगा, तो आप लोग भी सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे टैग करना, ठीक है? आप लोगों ने ये सब देख लिया, लेकिन अभी मैं और हर्ष भाई कंफ्यूज है कि स्टार्ट कहाँ से करें. गाइस आप लोगों को पता है मैं कहाँ आया हूँ, मैं गजीबो पे आया हूँ, और गजीबो पे मैं कभी मिला नहीं हर्ष भाई से, जो हमारे शहर की शान है, ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं. और आज हमारा मिलना हो गया, और कहाँ मिलना हुआ? गजीबो पे, और वो भी इतने अच्छे दस्तरखान पे जिसपे इतनी सारी वेराइटीज है. और हम आए गजीबो पे, तो गजीबो पे आए हैं तो मंदी, चाप, नल्ली, कबाब बहुत टेस्टी टेस्टी है, मैं इसका सिनेमैटिक डालूंगा और मैं खा के भी दिखाऊंगा आपको
के इसका टेस्ट क्या मस्त होगा, क्योंकि दिखाऊंगा नहीं तो आप लोग आओगे नहीं, और मेरे एक्सप्रेशन देखने के बाद तो आपको आना जरूरी होगा, है कि नहीं भाई? Yes. भाई भी मेरे साथ खाएंगे और हम दोनों टेस्ट करके बताएंगे कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। और इनका एक और एक ब्रांच है बुटी लाइन में, आरसी किचन, उसके बाद ये यहाँ पे आया। आरसी किचन पे मैं बहुत पहले से चीजें रमजान के लिए लेके जाता था, लेकिन इस बार इन लोग ने बहुत ही स्पेशल किया है रमजान के लिए। बताओ मेरे को कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम ये चीजें? कबाब तो मेरा फेवरेट है हमेशा, तो कबाब से स्टार्ट करते हैं। तो हम करते हैं स्टार्ट कबाब से। कौन सा वाला कबाब? ये खाते हैं पहले। अच्छा, ये तंदूरी कबाब ना, शीश शीश कबाब। चीयर्स। बहुत टेस्टी है। यहाँ पे इतनी सारी चीजें ऐसी ऐसी रखी हुई है ना कि देख के ऐसा लग रहा है कि बस जल्दी जल्दी सब खाना स्टार्ट करो, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि ऐसे कैसे खा रहे। कैसा लगा इसका टेस्ट? बहुत अच्छा, जूसी एंड अमेजिंग। बहुत अच्छा, इसको भी टेस्ट करते हैं अभी। ये कौन सा कबाब है? मुनाश का। मुनाश कबाब। लास्ट टाइम हमने हैदराबाद में खाए थे, तो मैंने बोला था कि काश हमारे औरंगाबाद में भी इतना टेस्टी मिलता कुछ, तो आज मिल रहा है यहाँ पे। तो आप आओ वैसी वो पे और मज़े लो। मैं ट्राई करूँगा इसके बाद। ये क्या है बॉस? मलाई नल्ली मलाई। आपके वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है। कैसा खाना देखो, कैसा है? टेस्टी लव नहीं कर रहे लव नहीं अबे टेस्ट खाने के बारे में मस्त है ना। औरंगाबाद में मतलब कैसी है भाई मंदी? मुंबई का है एक नंबर। अगर किसी को औरंगाबाद में मंदी खाना है तो यहाँ खा लेना, एक्सपेरिमेंट मत करना। हर्ष भाई कैसी लगी मंदी? लॉस ऑफ वर्ड्स। आप लोग आइए एंड एंजॉय करिए। मस्त है भाई। कैसी मंदी? मंदी नहीं, हर चीज भारी है। मैंने अभी तक बहुत कम जगह मंदी खाया, मगर मेरे को ये बेस्ट लगी अभी तक की। और नहीं भाई ने इतना खा लिया सोने को आ गया। मंदी खाया उसने मंदी। और अपने यहाँ पे शहरी के लिए कभी भी आओ, मिल जाएगा ना सब कुछ। शहरी के लिए स्पेशल रमजान स्पेशल नटली निहारी लेकर आ रहे, भेजा लेकर आ रहे, पाया है मतलब। सही है शहरी के पहले आओ बोलना। शहरी के पहले आओ तो बोले नमाज अजान हो रही और तुम बोल रहे भेजा है क्या। सो फाइनली गजीबो से पार्सल भी ले लिया इरफान तुमने घर के लिए। अशफाक भाई चलो आते हैं हम। थैंक यू सो मच। चलो।